बॉलीवुड की वर्सेटाइल अभिनेत्री रेखा आज भी उतनी ही जवान और खूबसूरत लगती हैं जितनी वो अपनी जवानी के दिनों में दिखती थी। ढलती उम्र के बावजूद वो अभी भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। रेखा अपनी जिंदगी वाकई बेफिक्र और जिंदा दिली के अंदाज में जीती आ रही है। रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। उनका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन था। रेखा को हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषाओं का ज्ञान है। कई सुपरहिट फिल्में देने वाली रेखा पहले फिल्मों में काम करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते रेखा ने फिल्मों का रुख किया। रेखा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की। 13 साल की उम्र में रेखा को अपना घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा। उस समय हिंदी में रेखा की पकड़ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनको शुरू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1969 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया, जिसका नाम था अनजाना सफर। तो जब ये फिल्म का ऑफर रेखा को हुआ तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे इस फिल्म में काम नहीं करना। जैसे तैसे करके उनकी माँ ने इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें मना लिया। जब इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए रेखा राजी हुई तो वो थोड़ी मोटी हुआ करती थी। टीम के लोग उनको नाप तोल के खाना देते थे। वो सोचती थी कि क्यों वो बाकी बच्चों की तरह अपना बचपन नहीं बिता सकती। बात 1969 की है, जब रेखा और विश्वजीत कुलजीत पाल की फिल्म अनजाना में काम कर रहे थे। रेखा बिल्कुल नई एक्ट्रेस थी और इस फिल्म के सीन में एक किसिंग सीन था। रेखा के अभिनय जीवन का पहला किसिंग सीन और उन्हें किस करने वाले थे दादा विश्वजीत। पहले रेखा इस किसिंग सीन के लिए राजी नहीं थी। उन्हें समझाया गया था कि ये स्टोरी की डिमांड है तो उनको करना पड़ेगा। मजबूरन रेखा इस किसिंग सीन को करने के लिए राजी भी हो गई। जब वो दिन आया शूट का, तो जब दादा विश्वजीत किस करने के लिए आगे बढ़े तो रेखा को लगा था कि ना जाने वो क्या कर रही हैं, और बार बार वो रीटेक दे रही थी और इन सब की घबराहट के कारण वो बेहोश हो गई। सेट पर शूट पर किसी का बेहोश हो जाना ये पहला किस्सा था। किसिंग सीन के कारण ये फिल्म इतनी चर्चा में आ गई। जब ये सेंसर बोर्ड में गई तो सेंसर बोर्ड वालों ने ये कह दिया था कि ये किसिंग सीन हटाया जाए। फिर उसके बाद इस फिल्म को 10 साल के बाद दूसरे नाम से रिलीज किया गया और वो फिल्म का नाम था दो शिकारी। रेखा का फिल्मी दुनिया का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्होंने अपने करियर में लगभग 180 फिल्में की, जिसमें से कुछ फिल्में सफल हुई और कुछ असफल हुई। रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। फिर भी चाहे वो मुख्य किरदार हो या सहायक किरदार, सभी किरदारों में उन्हें बहुत सराहा। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जैन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। रेखा बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1990 में रेखा ने दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। अफवाह ये भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल के टीवी इंटरव्यू में मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेलविशर बताया। वो अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा।